लेट्स क्रिएट अमेजिंग बैनर इन फोटोशॉप। तो फोटोशॉप के अंदर एक अच्छा बैनर किस टाइप से बनाया जा सकता है वो आज की इस वीडियो के अंदर जो अपन कवर अप करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो अपन जो है बैकग्राउंड डालेंगे। तो बैकग्राउंड के लिए मैं यूज करने वाला हूँ ग्रेडियंट। तो यहाँ सीधे चलेंगे ग्रेडियंट के अंदर, यहाँ जाकर आपका जो भी आप कलर यूज करना चाहो आप यूज कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर जो है इसको हटाने वाला हूँ और यहाँ पर हमारे पास में ओपेसिटी स्लाइडर सिर्फ एक रहेगा जो कि फुल ओपेसिटी के साथ रहेगा। ठीक है, एक साइड में अपन हल्का सा काइंड ऑफ ब्लू लेंगे लाइक दिस, थोड़ा सा डार्क है ना, और हल्का सा ब्लूइश में थोड़ा सा सैचुरेशन अपन कम डालेंगे सो दैट ज़्यादा सैचुरेटेड ना हो, थोड़ा सा लाइट। नाइस, एंड सेम फॉर दिस थिंग, इसको जस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे बट इसमें इस बार थोड़ा सा अपन हाईलाइट बढ़ा देंगे लाइक दिस। अमेजिंग, ठीक है, इसको क्लिक करते हैं ओके। इसको लीनियर की जगह कर देंगे अपन रेडियल, ठीक है, और इसको कर देंगे रिवर्स सो दैट ये जस्ट अपोजिट हो जाए। सेंटर में हमारे पास में काफ़ी अच्छा एक ग्लो रहेगा और साइड्स में हमारे पास में अच्छा डार्क एरियाज रहेंगे। क्लिक करते हैं ओके। हमारे पास में यहाँ पे ग्रेडियंट जो है बैकग्राउंड रेडी हो चुका है, तो इसको अपन नाम दे देते हैं बैकग्राउंड। और हमेशा आपकी लेयर्स को जो है जब भी आप प्रोजेक्ट कर रहे होते हो तो उसके अंदर आपके पास में लेयर्स को नाम होना चाहिए, ठीक है। इसको कर दिया अपन ने बैकग्राउंड, और यहाँ पर अब अपन नेक्स्ट टाइप करते हैं हमारे पास में लेट्स से डिजाइन, और फिर आगे लिख लेते हैं व्हाट मैटर्स। ठीक है, एंड हमारे पास में यहां पर थोड़ा सा और अगर अपन कंटेंट डाल सके तो यहां पर अभी अपन कंटेंट डाल लेते हैं। लेट्स से इसी को पहले तो जितना है इस कंटेंट को अपन सही करके लगाते हैं। ठीक है, अपन जो फॉन्ट है वो यूज करने वाले हैं पॉपिंस का, ठीक है, सो दैट अपन जो है क्योंकि काफी अच्छा फॉन्ट अपन ये है तो, और इसका कलर अपन कर देंगे यहाँ पे व्हाइट। ठीक है, व्हाट मैटर्स इसको भी बड़ा करते हैं साइज, और इसका कलर कर देंगे अपन लेट्स से फॉर नाउ अपन व्हाइट कर लेते हैं। देन उसके बाद में अपन चेंज भी करना चाहें अपन आराम से कर सकते हैं, है ना। मैं चाह रहा हूँ इसका कलर येलो हो जाए, येलो भी एक तड़कता भड़कता येलो लाइक दिस। ठीक है, और डिज़ाइन के अंदर भी अपन कुछ अलग एलिमेंट्स को अपन डालेंगे लेट्स से, क्योंकि यहाँ पर आई और आई ये दोनों सेम से हो रहे हैं तो वाई नॉट अगर अपन इसका, तो क्रिएटिविटी आपके पास में होनी चाहिए, अब कहाँ ढूंढना है वो आप देखो। ठीक है, चलो डिज़ाइन व्हाट मैटर्स इट्स लुकिंग नाइस। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, डिज़ाइन बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है ना। इसको लगा लेते हैं अराउंड यहाँ पर, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, लेट्स डू इट लाइक दिस। इसके पीछे एक हल्का सा अपन जो बैकग्राउंड देने की बजाय यहाँ पर हम बैकग्राउंड के साथ में जैसे एक स्ट्रोक, बैकग्राउंड बिल्कुल नल रखेंगे लेकिन हमारे उसमें स्ट्रोक देंगे जो कि रहेगा येलो कलर का। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास में बिल्कुल भी बाकी सब में कर्व्स बिल्कुल जीरो रहेंगी, यानी कि राउंडनेस जीरो, सिर्फ एक तरफ की राउंडनेस अपन थोड़ी सी ज़्यादा करेंगे। ठीक है, लाइक दिस। इस डिज़ाइन को थोड़ा सा नीचे ले आते हैं और इस जो शेप अपन ने अभी बनाया है इसको थोड़ा पीछे ले जाता है। ठीक है, तो आपके पास में कुछ इस टाइप का डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा जो कि अभी तक काफ़ी अमेजिंग बन चुका है ऑलरेडी। ठीक है, और इस जो अपना शेप है इसको थोड़ा सा और लंबा कर लेते हैं ताकि अपन ये व्हाट मैटर्स को थोड़ा सा और नीचे ले आए, है ना, सो दैट ये इस टाइप से लगे कि हमारे पास में जो डिज़ाइन है वो इस शेप के ऊपर रेस्ट कर रहा है। ठीक है, ये हो गया काफ़ी अच्छा अमेजिंग तरीके से। और आप यहाँ पर जो ऊपर मैं लिख देता हूँ लोगो हियर, बिकॉज अपन एक लोगो बनवाएंगे, लोगो लगाएंगे यहाँ पर ऑब्वियसली। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो हाइट है इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, लेट्स से व्हाट अबाउट दिस थिंग। ठीक है, कलर डाल लेते हैं वाइट, है ना, और जैसे अपना लोगो यहाँ पर रहेगा तो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं लोगो हियर। आप इधर भी डाल सकते हो, इधर भी डाल सकते हो, जहाँ डालना चाहो आप डाल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आप जो है थोड़ा सा और कंटेंट के लिए अपन यहाँ पर लॉरम इप्सम जो है लेकर के आते हैं। सीधे चलते हैं अपन क्रोम के ऊपर, यहाँ जाकर सर्च करते हैं लॉरम इप्सम।
ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर आपको ऑलरेडी जनरेटेड आपको मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आप जो इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और यहीं सर इसको जो है थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं और यहाँ से भी और यहाँ से। ठीक है, बोल्ड है, बोल्ड फॉन्ट हो रहा है यूज, तो अपन इसको जो है रेगुलर में ले आते हैं, सो दैट एक लाइट फॉन्ट यूज हो और हल्का सा ग्रेश में ले जाना है। जब भी आप पैराग्राफ लिख ले हो तो उसके अंदर कभी भी आपको फुल वाइट यूज नहीं करना है। हाँ, अगर ऐसा कोई केस है जिसके अंदर ग्रे नहीं दिख रहा है तो वाइट का यूज करोगे, अदरवाइज में आप हल्का सा ग्रे यूज करोगे। ठीक है, और इसकी जो अलाइनमेंट है अपन जो है लेफ्ट अलाइनमेंट रख लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं भाई। ठीक है, थोड़ी सी अपन इसकी जो लाइन हाइट है उसको बढ़ा लेते हैं, व्हाट अबाउट अराउंड दिस थिंग। ठीक है, सही लग रहा है। और यहाँ पर हो सकता है कि अपन कुछ और कंटेंट डाल लेते हैं, यहाँ पर पहले तो एक बटन बना लेते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, लेट्स से एनरोल नाउ और व्हाट अबाउट लर्न मोर। ठीक है, नॉट सेव। यहाँ पर अपन जो है इसका जो फॉन्ट है उसको कर लेते हैं हल्का सा बोल्ड में, लाइक व्हाट अबाउट मीडियम, और इसको कर लेते हैं वाइट में, जो कि काफी अमेजिंग लग रहा है ऑलरेडी। ठीक है, अब बटन बनाने के लिए काफी अच्छी टेक्निक, बाय डिफॉल्ट हमारे पास में कुछ इस टाइप के बटन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे, कैसे ये बस राउंड किया, इसके अंदर एक कलर दिया एंड दैट्स इट, इतना करके वो लोग छोड़ देते हैं, बट ऐसा अपने को बिल्कुल नहीं करना। अब देखो यहाँ आया है, जरूर अच्छा लग रहा है कि, लेकिन बट ये इतना अमेजिंग नहीं है। अमेजिंग कब बनेगा? अमेजिंग बनेगा तब जब आप इसके अंदर ग्रेडियंट डालोगे। ग्रेडियंट याद रखना, अभी जो हमारे पास में जितने भी डिजाइन ट्रेंड्स है उसके अंदर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है ग्रेडियंट्स। ग्रेडियंट्स का अगर आप यूज कर रहे हो तो उसके अंदर आपका डिजाइन ऑटोमेटिकली काफी अच्छा रैंकिंग में आ जाता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर अपन थोड़ा सा कुछ इस टाइप का एक शेप बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ सेलेक्ट करके इसके अंदर अपन जाएंगे और इसको कर देंगे मास्क। ठीक है, कंट्रोल जे करेंगे, इस शेप को मैं अभी के लिए हाइड कर लेता हूँ और इसको अपन जस्ट कर देंगे नीचे वाले जो शेप है इसके अंदर से डिलीट। ठीक है, तो ये आपके पास में इतना देखने को मिल जाएगा। मैंने शेप ही डिलीट कर दिया जबकि आपको सिर्फ इसका जो मास्क है उसको डिलीट करना है। राइट क्लिक, डिलीट लेयर मास्क, नाउ इट्स लुकिंग नाइस। अब इसका कलर अगर आप चेंज करोगे ना तो आपके पास में देखोगे तो यहाँ पर आपके पास में अब दो शेड आ रही है। ठीक है, तो इसके अंदर अब आपको सिंपल कलर नहीं देना, अब यहाँ पर आपको देना है एक ग्रेडियंट। तो यहाँ पर ग्रेडियंट बनाते हैं या वर्ड आउट इसको अपन हटाते हैं, इसके अंदर चलते हैं, शेप में चलते हैं या फिल में चलते हैं, ग्रेडियंट के अंदर यहाँ पर आपको जो आप कलर देना चाहो आप दे सकते हो। तो मैं एक हल्का सा एक तो येलो, ठीक है, जो अपने पास में है ऑलरेडी वो वाला येलो, और एक हमारे पास में येलो से लेकिन हल्का सा अपन जो है ऑरेंजेस के अंदर यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, और इसका जो अगर रही बात हमारे पास में कि इसका एंगल क्या रहेगा, तो एंगल अपन हल्का सा कुछ इस टाइप से लेंगे या थोड़ा सा बड़ा बहुत समथिंग काइंड ऑफ दिस, ऐसा कुछ काफी अच्छा रहेगा, या थोड़ा सा और ले चलते हैं। ठीक है, क्लिक करते हैं ओके और अब आगे बढ़ते हैं और इसका कलर अपन जो है ब्लैक ही कर लेते हैं। ओके, ये मैंने क्लिक कर दिया था, कुछ नहीं। ठीक है, और आजकल हमारे पास में ऐसा बहुत ज्यादा हो रहा है कि जो अपना फॉन्ट है बहुत बड़ा रख देते हैं, फॉन्ट कभी बड़ा नहीं रहेगा। जब भी अपन बटन बना रहे हैं तो उसके अंदर फॉन्ट छोटा और बटन बड़ा दिखना चाहिए, तब आपका एक काफी अच्छा बटन देखने को मिलता है। ठीक है, शेप को डिलीट कर, जो हिडन लेयर्स को हमेशा डिलीट कर देने का। ठीक है, इनको ग्रुप कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं बटन। ठीक है, ये लाल वगैरह बाकी सब में एकदम बढ़िया चल रहा है। ठीक है, ऑटो सेलेक्ट हटाते हैं और जहाँ पे आप प्लेस करना चाहो आप वहाँ प्लेस कर सकते हो इसको बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, और इसको अपन हल्का सा ऊपर ले चलते हैं सो देट अपन नीचे जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह अगर आप डालना चाहो आप यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर लिख लेते हैं जैसे प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, जीरो, और हमारे पास में नीचे जो है
अपनी वेबसाइट अगर आप डालना चाहते तो www.yourwebsite.com, ठीक है। सो इस टाइप से अगर आप आपके पास मल्टीपल नंबर्स है ना, तो आपको नीचे बाय नीचे नहीं करना है ना, कि कई बार क्या होता है हम क्या करते हैं एक नंबर यहाँ लिख दिया, एक नंबर इसके ऊपर, एक नंबर, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जब भी आपके पास मल्टीपल नंबर्स हैं तो आप ये लिखो, देन बीच में आपके पास में एक पाइप पाइप जो होता है वो डालो, ठीक है। उसके बाद में आप जो भी डालना चाहो नंबर वो डाल सकते हो, लेट्स से 9 जो है जस्ट उल्टी गिनती और जो कि बिल्कुल सही हो गया है, नाइस। सो इस टाइप से आपको नंबर वगैरह डालने हैं और यहाँ पर अपन इसको प्लेस कर लेते हैं सो दैट अपना नंबर वेबसाइट वगैरह अच्छे से यहाँ पर आ जाए, ठीक है। इसको कर लेते हैं सेंट्राइज, ऊपर लेकर चलते हैं हल्का सा। वेबसाइट अपने को, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप नंबर को मेन देना चाह रहे हो या वेबसाइट को, ठीक है। अगर आपके पास में वेबसाइट को है ना, अच्छा पहले तो दोनों का कलर वाइट कर लो, क्योंकि कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमेशा क्लियर होनी चाहिए, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर हमेशा आपके पास में वाइट कलर या फिर ब्लैक कलर ही होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर आप येलो कलर या ऐसा कुछ कलर यूज करना चाहो कर सकते हो। जैसे अब यहाँ बीच में पाइप है, क्रिएटिविटी दिखानी है, पाइप का कलर चेंज कर दो, दैट्स इट, लो क्रिएटिविटी आ गई, ठीक है। अब आपके पास में यहाँ पे कौन से वाले को आपको ज्यादा हाईलाइट करना है, आपको वेबसाइट के ऊपर ज्यादा ट्रैफिक लेकर आना है या आपको कॉल पे ज्यादा ट्रैफिक चाहिए, ठीक है। अगर आपको वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना है तो उसको बोल्ड कर दो, ठीक है। इसको जो है बोल्ड कर देते हैं अराउंड एक्स्ट्रा बोल्ड, ठीक है, लाइक दिस। आपका फोन नंबर फिर आपके पास में ज्यादा प्रायोरिटी नहीं लेगा, और आपका इसका साइज बड़ा, जिसकी प्रायोरिटी देना चाह रहे हो ना उसको बड़ा कर दो साइज उसका, है ना। सेम अगर आप फोन नंबर को देना चाह रहे हो, फोन नंबर का साइज बड़ा कर दो और उसका बोल्ड कर दो, ठीक है। सो इस टाइप से आप जो है किसी भी चीज को प्रायोरिटी दे सकते हो, ठीक है। और इन दोनों को थोड़ा सा अपन छोटा कर लेते हैं अराउंड दिस थिंग, ठीक है। यहाँ पर आपको नेविगेटर हमेशा आपके पास में ओपन होना चाहिए, नहीं है तो यहाँ जाओगे विंडो के अंदर, फिर यहाँ जाना है नेविगेटर, अगर आपका टिक नहीं है तो क्लिक कर देना, तो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ नहीं आएगा तो जहाँ पर भी आपके पास में जैसे अगर हो सकता है आपके पास में यहाँ पर ओपन हो जाए, है ना, यहाँ पर, तो इसको जस्ट क्लिक ड्रैग यहाँ पर ड्रॉप कर देना तो आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया अपना जो अपना बटन हो गया, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गई। अब रही बात, यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉन्टेंट आपके पास में नहीं, सिर्फ इतना ही कॉन्टेंट है, तब क्या आपके पास में कंटेंट खत्म हो गया, आपके पास में कोई अलग कंटेंट है नहीं, तो अब इतना ज्यादा नेगेटिव स्पेस आप कैसे फिलअप करोगे ना। अब आपके पास में दो ऑप्शंस आते हैं, इधर आप आपका जो हमारे पास में जो पैराग्राफ्स है इनका साइज बड़ा कर दो। कैसे साइज बड़ा करने का बेसिकली मतलब इतना है, इसका जो फॉन्ट साइज है इसको इंक्रीज कर दो, लाइन हाइट बढ़ा दो, और यहाँ पर आपके पास में जितना आप कर सकते हो उतना ज्यादा स्पेसिंग कम कर दो, लाइक दिस, है ना। तो आप ऐसे बढ़ा सकते हो, लेकिन ये एक बहुत बेकार तरीका होता है, क्योंकि आपके पास में जो पैराग्राफ्स होते हैं ना, ये पैराग्राफ हमेशा छोटे लिखे जाए तो अच्छा, लाइक दिस काफी अच्छा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पैराग्राफ्स के अंदर हमेशा आपके पास में जो है जो कॉन्टेंट होता है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं वो आपको हमेशा बड़ी में लिखनी है, लाइक दिस, है ना। फिर इसके आगे क्या, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं अपन, है ना। अपन चाह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा अपन यहीं पर रखें अराउंड नीचे, थोड़ा सा लाइक दिस, ठीक है। और आपके पास में आप कंटेंट नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लो, है ना। वॉट इफ अगर अपन वॉट मैटर्स को भी अपन ऊपर नीचे लेके आना चाहें, अपन वो भी कर सकते हैं, लाइक डिजाइन थोड़ा छोटा हो जाएगा, वॉट बड़ा हो जाएगा, मैट्रिक्स छोटा हो जाएगा, लाइक दिस, है ना। आप ऐसे करना चाहो आप ऐसे कर सकते हो। अब इसमें क्या है, आपके पास में फिर आपके जो शेप्स हैं वो आपको और ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। सो इसको अराउंड यहां रखते हैं, बिकॉज आपके पास में ऊपर लोगो आएगा तो लोगो का थोड़ा ज्यादा होनी चाहिए लोगो के लिए। इसको थोड़ा सा और ऊपर अपन ड्रैग कर लेते हैं, बिकॉज अपन नीचे का स्पेस जो है ना वो फिलअप कर सकते हैं। आपका मेन कंटेंट अगर सेंटर में है तो आपके पास में जो नीचे का कंटेंट है वो आप आराम से कवर अप कर सकते हो। सी यहां पर अगर हमारे पास में इतना कंटेंट भी आ गया ना, बहुत है, लाइक दिस, थोड़ा सेंटर में कर लेते हैं इसके, है ना। रही बात नीचे की, अब नीचे का कैसे कवर करेंगे हम कंटेंट, अब यहां पर आप जो है कुछ अलग शेप्स डाल सकते हो। कैसे, यहाँ पर आपको जाना है किसी भी इलेप टूल या कैसा भी आप शेप यूज कर सकते हो,
ठीक है, यहाँ बना लेते हैं। और इसके अंदर कुछ नहीं, सिंपल ग्रेडियंट्स का यूज कर दो और कुछ नहीं करना आपको, है ना। ग्रेडियंट्स के अंदर अपन सिंपल जो अभी अपन ने वहां पे कलर्स यूज किए वही वाले कलर्स पिकअप कर लेंगे अपन। लाइक दिस क्लिक ओके, सो इस टाइप से आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप चाहो तो आपके पास में यहां पर अगर आप लगाना चाहो, लो यहां पर भी लगा लेते हैं, है ना। चलो ये तो हो गया डन। यहाँ पर आपके उसमें काफी अच्छा स्पेस बचा हुआ है, तो मोस्ट ऑफ द बैनर्स में आपको इस यहाँ पर ऐसा स्पेस बढ़ जाता है ना, वहां पर आपको क्या चीज देखने को मिलती है, फोटोज। चलो वो भी बना लेते हैं अपन, यहाँ पे फोटोज भी लगा लेते हैं। तो यहाँ पर अपन चलते हैं सीधा, लेट्स से मैन यूजिंग लैपटॉप पिक्सेल्स, ठीक है। पिक्सेल्स एक वेबसाइट है जहां पर आपको फ्री में फ्री स्टॉक इमेजेस मिल जाती है, जो कि आप रॉयल्टी फ्री है तो आप आराम से यूज इसको कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपको अच्छी इमेज लग रही है, लेट्स से ये वाली यूज करके देखते हैं, क्योंकि इसकी थीम हमारे इसके साथ मैच हो रही है ना, क्योंकि पूरी थीम जो है ब्लूइश थीम में है और अपना जो बैनर है वो भी ब्लूइश थीम में है। सो फ्री डाउनलोड कर लेते हैं, जस्ट कोई भी पेड थिंग नहीं है, ये फ्री डाउनलोड कर सकते हो आराम से आप, है ना। क्लिक ड्रैग ड्रॉप, ठीक है, इसको ऊपर लेके चलते हैं और इसको जस्ट फ्लिप कर लेते हैं, सो दैट आपका जो सब्जेक्ट का फेस है वो इस तरफ में आ जाए। तो कंट्रोल टी करते हैं, पहले राइट क्लिक देन फ्लिप हॉरिजॉन्टल, डन, ठीक है। एप्पल का लोगो उल्टा हो गया बट ठीक है, वो छुप जाएगा वैसे भी, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, और यहां पर आपके पास में अब आपके ऊपर है कि आप किस वाले शेप के अंदर यहाँ पर आप डालना चाह रहे हो। आप अगर आप खुद का बनाना चाह रहे हो तो आप जो है सिंपल हमारे उसमें जो पेन टूल है उसका यूज कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर जो है एक प्रीमेड जो अपना रेक्टेंगल टूल होता है उसी का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर लेते हैं और आपका ये जो शेप है मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ लाइक दिस। और मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर सिर्फ ये वाला कॉर्नर जो है काफी अच्छा राउंड हो जाए, ठीक है, काफी ज्यादा राउंड हो जाए। तो यहां पर अपन लिंक क्लिप हटाते हैं, बाकी सबका जो जीरो कर लेते हैं सिवाय इसके, अपन इसको बढ़ा देंगे काफी अच्छा अराउंड हाफ तक, ठीक है। और इस सब्जेक्ट को इतना बड़ा कर लेते हैं सो दैट ये आराम से इसके अंदर जो है फिट इन हो जाए, ठीक है। और अपन हल्का सा इस सब्जेक्ट को भी इधर कर लेते हैं और अपना जो मेन ऑब्जेक्ट है उसके अंदर भी इसको भी इस तरफ में ले आते हैं। अब आपको इस हिसाब से जो आपका ये जो कंटेंट है इसको भी सेट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको नीचे ले आते हैं, ठीक है, लाइक दिस। सो ये हो रहा है सही। और यहाँ पर आप जो अगर आप इसको स्ट्रोक देना चाहो आप स्ट्रोक दे सकते हो, तो मैं स्ट्रोक दे देता हूँ, स्ट्रोक में चलते हैं, लेकिन एक ग्रेडियंट स्ट्रोक देंगे जिसके अंदर हम सेम वही वाला ग्रेडियंट यूज करेंगे जो भी अभी तक अपन यूज कर रहे हैं, है ना। द येलो थिंग एंड द ऑरेंज, ठीक है। इसका स्ट्रोक का साइज इंक्रीज कर लेते हैं अपन अराउंड इतना। यहाँ आपको देखना है कहाँ पर आपको जो है काफी अच्छा इफेक्ट देखने को मिल रहा है, थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है ये अराउंड दिस थिंग, ठीक है। आपका एंगल आपको देख लेना है कितना ज्यादा सही लग रहा है, यहाँ पर सही लग रहा है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास में फिर भी अगर कुछ आपको स्पेस लग रहा है ना कि खाली लग, ये वाला स्पेस अगर खाली लग रहा है तो आप यहाँ पर क्या फिलअप कर सकते हो, अब आप यहाँ पर बैकग्राउंड बना सकते हो। बैकग्राउंड के अंदर हम ऐसी चीजें ऐड कर देते हैं जिसके अंदर आपको पता भी नहीं चलता कि वहां पे नेगेटिव स्पेस है कि नहीं है, ठीक है। कैसे, हमने ये जो सर्कल बनाया ना जस्ट एक कॉपी पेस्ट करेंगे, इसको छोटा सा बना देंगे, ठीक है। और यहाँ पर अपन यूज करेंगे एक ग्रेडियंट जो कि ऑलरेडी बना हुआ है, कौन सा, जो अपने पीछे में यूज किया था वही वाला बैकग्राउंड अपन यहाँ पर यूज करेंगे, सी लाइक दिस। कुछ ऐसे छोटे बड़े गोले आप यहाँ पे ऐड कर दोगे तो आपके पास में काफी अच्छा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इफेक्ट। बस इतना याद रखना सबके अंदर एंगल आपका सेम नहीं होना चाहिए, थोड़े बहुत एंगल चेंज होने चाहिए, किसी में अप है तो किसी में डाउन कर दो, किसी में लेफ्ट है तो किसी में राइट कर दो, लाइक दैट, ठीक है।
इसका थोड़ा सा और साइज छोटा कर लेते हैं, और इसकी विजिबिलिटी आपके ऊपर है, तो ओपेसिटी के थ्रू जो है इसको कर सकते हो लाइक दिस, सो दैट एक फेड आउट इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब देखिए ये दोनों, सिर्फ ये दो चीजें डाली है, और अभी अपन बिफोर आफ्टर अगर अपन देखें, कंट्रोल जी करूं, ये बिफोर है और ये आफ्टर है, काफी अच्छा इफेक्ट देखने को मिल चुका है। और ये तरीका है आप फोटोशॉप के अंदर एक बहुत जल्दी से काफी अच्छा बैनर जो है आप क्रिएट कर सकते हो, और वो भी बहुत इजीली। तो चलिए फिर मैं आपको मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।